इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझा, इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझे और इन्फ्लेशन के टाइप्स को समझा है। 5-7 मिनट की वीडियो है और उसमें आपको इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। यह हमारा सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में आगे पढ़ना। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो कारण होते हैं इन्फ्लेशन के। देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट वन इज डिमांड पुल, सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जेंटल राइज इन प्राइसेस इन एन इकोनॉमी, बट दे वर्क डिफरेंटली। इन्फ्लेशन के जो दो पार्ट है, एक हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मीन्स डिमांड बढ़ गई है, मांग जनित मुद्रास्फीति, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ गई है और उसकी पूर्ति कम है तो ऐसे में उसका दाम बढ़ जाना है। और दूसरा होता है कि किसी वस्तु की बनाने में जो लागत थी वो लागत बढ़ गई है, इसलिए उसका दाम बढ़ जाना। सो अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स अग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब एक डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाता है, अधिक हो जाता है सप्लाई से, मांग जो है वो पूर्ति से अधिक हो जाए, तो ये डिमांड फुल इन्फ्लेशन है। द रूट कॉज ऑफ डिमांड फुल इन्फ्लेशन इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जितनी की मांग है उतना पूर्ति नहीं है, पूर्ति उससे कम है, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या है? व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल एग्रीगेट डिमांड रिमेंस द सेम। डिमांड सेम है, डिमांड में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी महंगाई है, तो इसका कारण ये है कि उसको बनाने में, उस वस्तु को या फिर सर्विस को अवेलेबल करने में जो पहले की तुलना में खर्च है वो अधिक हो गई है, इस कारण से दाम बढ़ गया है और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर इन्फ्लेशन इज फ्यूल्ड अप नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड बट मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने अभी आप लोग को बताया, किसी वस्तु या फिर सेवा को बनाने में, अवेलेबल करने में, वस्तु या सेवा की पूर्ति करने में जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, डिमांड सेम है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कि लागत जनित महंगाई है। और एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यानी कि मांग जनित महंगाई, जिसमें सप्लाई सेम है लेकिन मांग बढ़ गया है, इसलिए उस वस्तु का दाम बढ़ गया है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने समझा, डिमांड पुल और कॉस्ट वाले। अब देखते हैं कि क्या कारक होते हैं, फैक्टर्स फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित महंगाई के पीछे क्या कारण है। पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। सेकेंड वन इज इंक्रीज इन सैलरी। सर ये क्या है? जी हाँ, जैसे जैसे सैलरी लोगों की बढ़ती है, सैलरी का बढ़ना मतलब आय का बढ़ना, लोगों के पास पैसा का बढ़ना, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है लोगों की खर्च करने की शक्ति अधिक होती जाती है, और उस खर्च करने की शक्ति के दम पे जो महंगाई है वो अपना बड़ा रूप धारण कर लेती है। अगर हमारे पास परचेजिंग पावर ही नहीं रहे तो हम लोग तो 1 रुपये के सामान को 2 रुपये में नहीं खरीद सकते ना, जब तक कि मेरे पास परचेजिंग पावर वो नहीं हो। तो हमारे पास परचेजिंग पावर होती है, इसलिए डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाता है। डिक्रीज इन टैक्स, ये भी रीज़न है, सेम वही, टैक्स कम हो गया, यानी कि फिर से मेरे पास पैसा बढ़ गया, यानी चाहे मेरी सैलरी बढ़ रही हो या फिर टैक्स कम हो रहा हो, दोनों में ही मेरे पास पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है। अनदर वन इज़ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी है तो वो भी मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, मतलब वो ज़्यादा पैसा है मेरे पास। तो जब भी ज़्यादा पैसा है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा इज इक्वल टू डिमांड ज़्यादा, तो ये डिमांड जनित, मांग जनित जो मुद्रास्फीति है ये अधिक पैसों के कारण होता है। अब आते हैं फैक्टर्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित में क्या है। लागत जनित में देखिए, टैक्स में वृद्धि हो गई, अभी अगर वस्तुओं के टैक्स में वृद्धि हो जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक पेन का फैक्ट्री खोला हूँ और रिफिल का जो कंपनी है, रिफिल जो बनता है उस पर टैक्स बढ़ गया, तो फिर मेरा भी लागत बढ़ जाएगा पेन के बनाने में, तो इस तरह से मेरे पेन का दाम अधिक हो जाएगा। इसी तरह से वेज रेट, जो मजदूरी दर है, अगर वो बढ़ जाए तो फिर वो लागत जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगा।
कच्चे माल का दाम बढ़ जाए लागत जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी का पीआईक्यू उठा के देखेंगे ना, हर साल आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। पहले निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर पे, क्योंकि महंगाई है, कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जबकि प्रोड्यूसर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सेलर के लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स करता है इन्फ्लेशन। कैसे, मान लीजिए कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में 5 रुपया लगा, 7 रुपया में मैं बेचता, इस बीच महंगाई बढ़ गई तो वो 10 रुपया में बिक रहा है, लेकिन मेरा जो बचत था पहले 5 रुपये के सामान को 7 में बेच के 2 रुपया बचता, अब 10 में बेच करके मुझे 5 रुपया बचेगा। तो ये प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और सेलर के लिए पॉजिटिव होता है। फिर क्या है, जो फिक्स्ड सैलरी पर्सन है उनके लिए दिक्कतें आती है, क्योंकि उनका तो सैलरी फिक्स्ड रहने वाला है। जबकि चेंज्ड सैलरी पर्सन के लिए, जिनका महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ता है, जिनके सैलरी में परिवर्तन हो सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। मनी लेंडर, जो लोग मनी लेंडर है, साहूकार वगैरह जो पैसा देते हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन निगेटिव हो जाता है, पैसा लेने वाले के लिए पॉजिटिव रहता है। विद्यार्थी, अनएम्प्लॉयड, इनके ऊपर इसका निगेटिव असर पड़ता है ना, बिजनेसमैन वगैरह के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। तो ये इम्पैक्ट है आपको इन्फ्लेशन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक को देखते हैं। हम लोगों ने इन्फ्लेशन को समझा, अब हम लोग कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मुद्रास्फीति से रिलेटेड। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ द मनी इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज फर्स्ट एंड इंक्रीजेज। ये है कि पैसे का मूल्य घट जाता है, पैसे का मूल्य बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पैसे का मूल्य घट जाता है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। डिफ्लेशन इज द स्टेट इन विच, अवस्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, तो नहीं, इसमें जो है वो पैसे का दाम बढ़ जाता है। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, वस्तुओं के दाम को मुद्रास्फीति कैसे प्रभावित करती है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज डिक्रीजेज, घट जाता है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। बिल्कुल बी सही उत्तर होगा, नो इफेक्ट इसमें होगा नहीं, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेज, लेटर ऑन इंक्रीजेज होगा नहीं। अगला प्रश्न है, व्हेन टू मच मनी इज चेसिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज, बहुत सारा पैसा थोड़े वस्तु के पीछे लग रहा है, तो ये क्या है, तो ये इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास लगातार करते रहेंगे, और आपके लिए पूरे दिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। डिवेल्युएशन यूजुअली कॉज द इंटरनल प्राइस टू, अवस्फीति जो है वो आंतरिक दाम को क्या करती है, तो आंतरिक दाम जो है वो अनचेंज्ड रहता है। डिवेल्युएशन हो या इन्फ्लेशन हो, आंतरिक दाम समान रहता है, वो परिस्थिति के हिसाब से उसकी तत्कालिक मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पररली, अगर आपको महंगाई को अस्थायी रूप से चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज इन वेजेज, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन टैक्सेस, नॉन ऑफ दीज। मनी सप्लाई को कम कर देंगे, मजदूरी को बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, और इसको आपको टेम्पररली कंट्रोल करना है। तो हम लोग पढ़े थे मुद्रास्फीति कैसे होता है, पैसा हो और मुद्रास्फीति बढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे के सप्लाई को कम कर देंगे, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो हम लोग पैसे के सप्लाई को कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन टेम्पररली रुक जाता है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स, जब सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड एक्सिट्स द एग्रीगेट डिमांड, मीन्स डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को डेवलप करता है, बेरोजगारी को डेवलप करता है, मीन्स वस्तु की कीमत ही नहीं बढ़ रही, लोग जो है वो जितने अर्न कर रहे हैं उसमें ही खुश है, तो फिर बेरोजगारी ही जन्म लेगी। डिवोल्यूशन जो है वो मेक्स इम्पोर्ट डियरर, इसमें आपको 8 का डी हो जाएगा, अवस्फीति जो है वो डियरर को आयात करती है। इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड,
लेस देन एग्रीगेट डिमांड इक्वल और नन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो डिमांड से कम होता है, लेस देन एग्रीगेट डिमांड, तब इन्फ्लेशन ऑकर्ड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लेस देन एग्रीगेट डिमांड। द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, मनी सप्लाई को रोक करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? तो मनी सप्लाई को रोक करके हम लोग जब इन्फ्लेशन को कम करते हैं, ये डिस इन्फ्लेशन कहलाता है। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ग्रोथ हैज नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइस। स्टैगफ्लेशन क्या है? देखिए तो स्टैगफ्लेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, रिसेशन भी बढ़ता है, यानी रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। सो डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या है, वृद्धि की दर जो है वो कम हो जाती है और वस्तु के दाम बढ़ने की दर उससे ज़्यादा हो जाती है। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, मुद्रा के दाम में जो अवस्फीति होता है वो कहाँ लेकर के जाता है? तो ये एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, कंट्रेक्शन ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपेंशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये चारों होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द ये हो। ग्रीन बैंकिंग क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फिनेंसिंग बाय इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्राइवेट बैंक, तो ये हो जाएगा फिनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक। तो ये ग्रीन बैंकिंग कहलाता है, जिसमें बैंक जो है वो इको फ्रेंडली कार्य के लिए वित्त अवेलेबल कराती है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट क्या होगा, बढ़ा दिया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति है, टैक्स रेट हम लोग बढ़ा देंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स जो है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के समय सप्लाई ऑफ मनी क्या होना चाहिए? सेम होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली? तो नहीं, डिक्रीज किया जाएगा, और अगर सिचुएशन वैसा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पूछा है पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस राइज क्या है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिकवरी। तो ये हो जाएगा सी, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों चल रहा है एक साथ, तो ये स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है। तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट MCQs भी देखे हैं, लगभग यही सब प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी मुद्रास्फीति से जुड़ा देखने को मिलता है। जो कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SSX, CTET का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।